Just starting with the name of Allah Almighty. Today we are going to continue our discussion regarding chapter number 3 of Corporate Governance of Pakistan by Dr. S. A. Bhatt. In today's lecture, we are going to continue our discussion. In the previous lecture, we ended up on the small on the small investors. But in today's lecture, we are small private investors, but in today's lecture, we are going to discuss about the large private shareholders. Fine. The large private shareholder, as the name indicates, are the group of people that are the shareholders of the company, but their stake within an organization is considered high. Yani ye wo shareholders hote hain jinhe hum as a small investors nahi consider kar rahe. Hum inhe ek अच्छी खासी वेटेज देने वाले हैं. अब फिर ये चाहे कुछ भी कोई भी हो, वो हम इसे उसमें इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल वे में डिवाइड नहीं कर रहे, इन्हें इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल वे पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे. हम ये कहने वाले हैं कि जिनका स्टेक विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिनकी इन्वेस्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो, जिनका इंटरेस्ट कंपनी में बहुत ज़्यादा हो, जिनका एक you may say that their influence within an organization will be high. Individual but may be acting through trust, private limited companies, etc. अब यहाँ पे individual का word उन्होंने क्यों लिखा है कि you cannot specify कि within an organization if another organization will invest or will purchase the share will be considered as a large private shareholder. यानी एक company में अगर दूसरी company shares purchase कर ले तो फिर उन्हीं को ही हम लार्ज प्राइवेट शेयर होल्डर कहेंगे. ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी पार्टीज मौजूद हैं जिनको आपको देख जिनसे आपको ये लगता है कि ये तमाम लोग, चाहे वो एक बंदा ही क्यों ना हो जिसका स्टेक ज़्यादा है, जिसने आपकी कंपनी में कुछ ना कुछ ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपके शेयर्स को परचेज किए हैं, ऐसे शेयर होल्डर को हम लार्ज प्राइवेट शेयर होल्डर कहेंगे. अब ये एक इंसान भी हो सकता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई भी ऐसी होल्डिंग पार्टी जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड कर रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है, या जिसकी इंटरफेरेंस इज नॉट बींग चैलेंज. ऐसा बंदा जो अगर इंटरफेयर करे और उससे उस इंटरफेरेंस को आप कभी किसी लिहाज से चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसे बंदे को लार्ज प्राइवेट शेयर होल्डर कहेंगे. हैविंग हैव लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द कंपनी, इट मींस लॉन्ग टर्म मींस मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर. जब हम बात कर रहे थे स्मॉल प्राइवेट इन्वेस्टर के इन द प्रीवियस लेक्चर, सो वी वर सेइंग दैट That sort of person will have low interest. यानी उस ऐसा बंदा, जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल दूँ कि अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करता हूँ तो मैं मेरा एक साल के लिए, उससे कम अरसे के लिए, एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए इंटरेस्ट है. मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अभी परचेज कर लिया, जब इस शेयर की प्राइस बढ़ेगी, वर्थ बढ़ेगी, तो मैं उसे दोबारा क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा. यानी मेरा इंटरेस्ट जो कंपनी के अंदर है वो इतने कुछ ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है. लेकिन जो लार्ज प्राइवेट शेयर होल्डर्स होते हैं, दे ऑलवेज इन्वेस्ट within an organization for more than one financial year, may have great influence on the company. Jinka influence bahut zyada ho, means whatever they will intervene within the matter, whenever they will intervene within the matters of an organization, they cannot be challenged, or whatever the decision they will take or whatever the suggestion they will give to an organization will be considered, will be given certain weightage. Yani aise banda jo ki company ke andar jab bhi koi baat kare uski baat ko अहमियत दिया जाए, ऐसे बंदे को लार्ज प्राइवेट शेयर होल्डर कह सकते हैं. मे प्रोवाइड बल्क ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ये है कि क्योंकि हमने कहा ना शेयर होल्डर्स ने क्या करना है, दे विल हैव टू इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब क्योंकि इस बंदे का शेयर ही कंपनी में ज्यादा है, तो इसका मतलब शेयर ज्यादा का मतलब ये है कि इसकी वोटिंग पावर ज्यादा होगी. व्हेन एवर देयर विल बी एनुअल जनरल मीटिंग, एट द टाइम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग दिस पर्सन विल इलेक्ट सो मेनी डायरेक्टर्स. ठीक है, जितने भी आपके डायरेक्टर्स होंगे उसमें ज्यादातर इसी के वोट की वजह से आए होंगे. एंड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल हैव द आइडिया कि दिस पर्सन इज कंसीडर्ड एज आर रियल ओनर, क्योंकि रियल ओनर तो सारे ही हैं वैसे, लेकिन दिस पर्सन हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो तीन, अगर फॉर एग्जाम्पल पांच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनमें से तीन इसी बंदे के वोट से आए हैं, तो वो तीन लोगों को मालूम होगा कि वी आर बीइंग इलेक्टेड बाय दिस पर्सन, इस बंदे ने हमें इलेक्ट किया, तो वो उसे स्टार्ट कर देंगे वेटेज देना, उसे स्टार्ट कर देंगे एक
you may say that the level of interest, the level of respect or the level of being influenced by that person will increase. उन्हें पता होगा कि इस बंदे ने हमें elect किया, तो हमें इसकी बात सुननी है. In Pakistan, these people are the focus of corporate governance endeavors. Endeavors अब वो लोग होते हैं जो कि corporate governance यानी corporate matters को बहुत ज़्यादा जिसमें अपनी होल्डिंग कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें बहुत ज्यादा यू मे से दैट देयर बॉन्डिंग विद इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. पाकिस्तान में ऐसी चीजों ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं लार्ज प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो यार ज्यादातर क्या हो जाता है, फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, और फैमिली ओरिएंटेड में कोई अगर कोई खानदान का कोई बड़ा आदमी होता है तो वो ज्यादातर शेयर्स को होल्ड कर रहा होता है. अभी एग्जाम्पल आप देख लें तो जो फातिमा ग्रुप की मैं कल भी एग्जाम्पल आपको दे रहा था, ये पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, तो फातिमा ग्रुप का जो डायरेक्टर है मियाँ फजल या मियाँ फैसल, वो क्या है, वो खानदान में बड़े हैं, ठीक है, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है, उनके शेयर ज्यादा है, उनकी जो है ना वोटिंग पावर ज्यादा है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पूरी जो मैटर्स हैं उनकी दे ही कैन इंटरवीन इन दैट एक्टिविटी, ही हैज द राइट, ही हैज द पावर, ही हैज द वोटिंग पावर टू इन्फ्लुएंस द मैटर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इन द बोर्ड देयर वॉइस दिस पर्सन्स वॉइस विल बी हर्ड बाय एवरीवन, यानी तमाम लोग इनकी बात को ज्यादा वेटेज देंगे, ठीक हो गया. फिर है कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स. कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स क्या होते हैं कि अब यहाँ पे आपकी कंपनी ना एक इंडिविजुअल पे है ना किसी इंस्टीट्यूशन पे है, पूरी कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंड करने लग जाती है, क्योंकि वो पूरी की पूरी कॉर्पोरेशन आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देती है. ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं, होल्डिंग कंपनीज कहते हैं, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दी थी कि एतिसलात हैज द होल्डिंग शेयर्स पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड PTCL के अंदर एतिसलात जो कि दुबई की कंपनी है उसके होल्डिंग शेयर्स हैं, वो होल्ड करते हैं इस कंपनी को. फॉर एग्जांपल अगर आप कहें तो जो हमारी जैज है मोबलिंक, दे हैव द होल्डिंग शेयर्स विद इन वारिद, यानी ये होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग शेयर्स रखने वाली कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं, यानी जिसका होल्ड हो, जो कि तमाम मैटर्स में अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सके, उसे क्या कह सके, यू मे से दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विल हैव द डायरेक्टिव अथॉरिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्शंस यही दे रही होती है. मल्टीनेशनल्स होती हैं ज्यादातर, मल्टीनेशनल्स में हमारे पास तमाम कंपनीज वो आ जाती हैं जो कि क्या कहते हैं कि एक बियॉन्ड योर नेशनल बाउंड्रीज भी अपनी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. अब ऐसी कंपनीज का क्या होता है कि क्योंकि इन्होंने एक मुल्क तक नहीं रहना होता, डिफरेंट कंट्रीज में दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट, तो इन कंपनी ये उस कंपनी जिस कंट्री के अंदर ये जाते हैं, ये जैसे पेप्सी की अगर एग्जांपल लें तो पेप्सी कोला ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा जो वाटर है नेस्ले का वाटर, प्योरोफीना, उसके अलावा डिफरेंट पाकोला, डिफरेंट जो हमारे मिनरल वाटर हैं उस पर इन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं. फिर आप ये देखें कि जब ये किसी मुल्क में जाते हैं वहाँ पे ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परफॉर्म करने लग जाते हैं. ये क्या करते हैं, जैसे कि पेप्सी की एग्जांपल हो कि पेप्सी इज अ मल्टी नेशनल कंपनी, बट दे स्टार्टेड लीटर ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट फॉर द विलेजेस इन पाकिस्तान ड्यूरिंग रमादान. क्या किया था कि इन्होंने कहा था कि जिन जिन जगहों के अंदर लाइट का प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग है, वहां पे हम बॉटल आप एक लीटर परचेज करें, हम वहां पे रोशनी प्रोवाइड करेंगे. क्या मतलब, ये इनका काम क्या होता है, ये उन तमाम मुल्कों में जहां जहां ये काम करने लग जाते हैं वहां पे फिर बाकी मैटर्स में बाकी एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं. ग्रुप्स होते हैं जैसे कि फातिमा ग्रुप हो गया, महमूद ग्रुप हो गया, शाहीन ग्रुप हो गया, यानी कंपनी ये होती है जो एक खास इंडस्ट्री के लिए सिर्फ नहीं कर रही होती, ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के अंदर इनकी कंपनियां होती हैं. जैसे फातिमा शुगर क्या है, हमारी शुगर इंडस्ट्री की है. फातिमा फर्टिलाइजर क्या है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर फातिमा फर्टिलाइजर है, यानी ग्रुप ऑफ यानी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यानी इसकी क्या है कि एक जगह पे अपनी एक्टिविटी नहीं करना, डिफरेंट जगहों पे अपना एक स्टांस रखना है, अपनी एक स्टेकिंग पावर रखनी है, ठीक हो गया.
करेक्टरिस्टिक्स, इनकी भी कोई खास खसूसियात भी होती हैं, इनकी कोई इनकी तमाम एग्रीमेंट्स होते हैं, इनके जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ये एज इट इज नहीं कर देते, इनके पीछे पहले ये एग्रीमेंट्स करते हैं कि इफ वी आर विलिंग, इफ यू आर विलिंग टू मेक अस एज योर शेयर होल्डर सो वी हैव दीज लिस्ट ऑफ प्रीरिक्विजिट्स, आप पहले ये चीजें पूरी करेंगे, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एग्रीमेंट्स होंगे, इस तरह से हम आपके ऑर्गेनाइजेशन के मैटर्स में साथ चलेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट भी करेंगे फाइनेंशियली भी, एंड एट द सेम टाइम व्हाटएवर द डिसीजन यू विल टेक इन द फ्यूचर वी विल हैव द वॉइस इन दैट, इस तरह के तमाम मैटर्स में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं, इसमें हमारी जो एग्जाम्पल आती है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल एक पूल ऑफ फंड्स क्रिएट करते हैं जो मिल के किसी खास प्रोजेक्ट पे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इसी एग्जाम्पल अगर आप देखें कि अगर हम जो हमारी मेट्रो का स्टेशन है मुल्तान मेट्रो या डिफरेंट मेट्रो, इस्लामाबाद मेट्रो, ये वो, ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसके लिए सिर्फ एक बैंक या एक इंस्टीट्यूट पैसा इतना नहीं होता कि इतने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज या ट्रिलियंस ऑफ रुपीज वो इन्वेस्ट करते हैं, इसके लिए फिर वो म्यूचुअल फंड क्रिएट करते हैं, डिफरेंट बैंक्स को लेके आते हैं कि आप हमारे साथ एक म्यूचुअल एक्टिविटी में सपोर्ट करें। जब वो सारे एक एक्टिविटी के लिए आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उनका शेयर बन जाता है, फिर उस प्रोजेक्ट से वट एवर द प्रॉफिट दे विल जनरेट दैट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। मैनेज्ड फंड्स कौन से होते हैं, अब म्यूचुअल फंड और मैनेज्ड फंड में एक बात याद रखिएगा कि विद इन दैट ग्रुप ऑफ पीपल, विद इन दैट पूल ऑफ कंपनीज, देयर विल बी सम प्रिंसिपल कंपनी, देयर विल बी सम सुप्रीम कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि तमाम HBL के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो PSL के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो HBL अगर बाकी बैंक्स को भी अपने साथ मिलाते हैं तो एक बैंक लाजमी होगा तो वाकई मैनेज कर रहा होगा चीज़ों को, पैसे बाकियों से मैनेज करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा होगा, उसके साथ डायरेक्ट निगोसिएशन कर रहा होगा विद द बेनिफिशियरी, जैसे कि PCB होता है, तो उस बैंक को वो जो एक्टिव जिन फंड्स के बेसिस पे वो मैनेज कर रहे हैं वो मैनेज फंड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है पेंशन फंड्स। पेंशन फंड्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे UBL होगी, सॉरी क्या कहते हैं उसे, जुबली इंश्योरेंस हो गई और EFU इंश्योरेंस हो गई। ये क्या होती हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने पैसे को इन्वेस्ट करना है। नाउ द क्वेश्चन विल कम टू योर माइंड कि सर हाउ दे विल क्रिएट द फंड, दे विल क्रिएट द फंड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट सिक्योरिटीज टू द पीपल, लोगों को बुलाते हैं कि आप हमारे पास पैसे जमा कराएं। यहाँ पे क्या होते हैं कि डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट पीपल जाके वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपनी पेंशन दे देते, उन्हें ये होता है कि हम आपके पास पैसे रखवाते जाते हैं, वेन एवर वी विल रिटायर यू विल प्रोवाइड द पेंशन फंड। अब वो जो पैसा जनरेट हो रहा होता है उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है तो ईच एंड एवरी पर्सन Within that activity will have a particular share. Life insurance companies भी हो गई इसमें, वो भी institutional investors हैं, banks हैं, जिसकी example मैं आपको पहले दे चुका हूँ। In UK it is believed that institutional shareholder hold on an overall basis a majority of shares of all listed companies. So what is the listed company? A company that is listed in your stock exchange. हम पाकिस्तान की जब listed companies की बात करते हैं तो all the companies, for example पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन, PIA, पेप्सी, एंग्रो, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, शेल ऑयल, ये तमाम की तमाम कंपनीज क्या है, ये स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज है। इनके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होते हैं, इस तरह की ये जो सारी कंपनीज अपने शेयर्स को किसी और कंपनी में जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंसीडर होंगे। और UK के अंदर वो एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहे हैं कि मोस्टली जो लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तमाम इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स ने की हुई है, यानी इंडिविजुअल लेवल पे लोग कम इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस ज्यादा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, अब यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये किस पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि इनकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये कुछ ना कुछ चीजें कंसीडर करते हैं विद इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज क्या है कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन शेयर्स वैल्यू ग्रोथ, यानी ये इनका काम क्या होता है कि ये डिविडेंड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, अर्निंग्स पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, ये कहते हैं कि जितना भी शेयर की वैल्यू है विद इन द मार्केट उसे ग्रो करवाना है हमने, उसकी वर्थ बढ़वानी है, ठीक है। अब यानी आपका शेयर 100 रुपए का है तो
तो कोशिश करते हैं 120 का हो जाए, 120 का है तो उसे कोशिश करते हैं 140 का हो जाए. करंट रिटर्न्स आर स्टिल इम्पोर्टेंट. फिर वो कहते हैं कि इट इज नॉट इवन ओनली कंसीडर्ड दैट वट एवर द डिविडेंड दैट द कंपनी विल जनरेट एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी मोर सिग्निफिकेंट फॉर एन इंस्टीट्यूशन. नो, they are more tilted toward the current profits. Current returns जो होते हैं, यानी एक साल के अरसे के अंदर अंदर जितने भी returns होते हैं वो आपके current returns होते हैं, उनके अंदर भी इनका interest होता है, इनका stake होता है. Ability to evaluate performance. अब ये जो organizations होती हैं, ये as it is ऐसे काम नहीं करती. मैंने आपको पहले कहा कि whenever they will be ready to be invest in your company as a shareholder, they will give you a टर्म एंड कंडीशंस. टर्म एंड कंडीशंस को जब आप फुलफिल करते हैं तो उसके बाद आपकी एक्टिविटीज को ये ओवरव्यू कर रहे होते हैं. अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने लग रहे होते हैं और इन्हें लगता है कि दिस प्रोजेक्ट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट प्रॉफिट फॉर द कंपनी, उसको ये क्या करते हैं, इंटरव्यून करेंगे इन योर डिसीजन मेकिंग. ये कहेंगे नहीं जी नहीं, ये आप इस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि इफ यू विल इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देयर इज मोर चांसेस ऑफ अ लॉस एंड दैट लॉस विल बी will create loss for themselves as well. यानी institution किसी दूसरी company के अंदर intervene कर रहे होते हैं उनके decision making में कि नहीं, अगर आप इस company ने फ्लॉप project में investment कर ली तो वहां से हमें क्या होगा, loss होगा, और loss हमारे लिए क्या होगा क्योंकि हमने आपके अंदर investment किया, आपके shareholders की shares की growth तो decrease होगी लेकिन हमारे जो हमने investment किया उसकी भी वो भी value decrease होगी. तो यानी इनकी एबिलिटी इतनी होती है कि बाकी चीजों को, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि क्या ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हटके हमारे लिए बेहतर है या नहीं है. ठीक है, पावर एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनकी बात सुनते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल हैव द आइडिया एज अ मेजर इन्वेस्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डन बाय देम. इन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है इस ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए फायदा, क्या ये डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये आइडिया हो चुका होता है तो वो वाकई इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैं हमने इनकी बात ना मानी मानी तो ये हमारे शेयर होल्डर्स नहीं रहेंगे, शेयर होल्डर नहीं रहेंगे तो हमारे सारे शेयर्स को सेल करने लग जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम वो क्या कहते हमारी वर्थ डैमेज हो सकती है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनकी बात सुनते हैं, वो इनकी बात को वेटेज देते हैं. ठीक हो क्या? बट ड्यू टू दे हैव द टाइम टू पे अटेंशन टू द एवरी सिंगल कंपनी. अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया था एट दैट टाइम दे वर विलिंग टू हैव एज मच एज फंड्स दे कैन क्रिएट. कभी ऐसी कंपनी नहीं होगी कि उसे आप जाके कहें मैं आपके पास पैसे इन्वेस्ट करना चाहूंगा, वो कहते हैं नहीं 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 हमें आपकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. नहीं, दे विल ऑलवेज से कि यस सर वी आर विलिंग टू गिव willing so that you should invest in our company. तो क्योंकि वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को अपने साथ मिला लेते हैं तो अगर एक इंस्टीट्यूशन की कोई इन्वेस्टमेंट में लेते हैं तो उनकी बात मानने लग जाते हैं लेकिन दूसरे का भी ख्याल रखना होता है. यानी जब आप एक से ज्यादा लोगों को अपना से पैसा लेंगे तो आपको एक से ज्यादा बातें सुननी पड़ेंगी. तो वो यही वाली बात है कि वो टाइम उन्हें चाहिए होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि ताकि वो हर इंस्टीट्यूशन की बात को अटेंटिवली सुने. अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि जब ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा इन्वेस्ट किया, एक इंस्टीट्यूशन ने पैसा इन्वेस्ट किया एक ऑर्गेनाइजेशन में तो सिर्फ उसकी बात ही सुनी जाएगी. ये भी डिसीजन, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटीज में आता है कि जब उन्हें किसी चीज के अगेंस्ट कोई बात सुननी पड़ती है तो फिर वो उसके आगे जस्टिफिकेशन भी देते हैं. यानी अगर एक इंस्टीट्यूशन इन्हें मना कर रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें, इट मे क्रिएट लॉस फॉर यू, उसी वक्त ये कह देंगे कि सर we respect your decision, we respect your suggestion, but at the same time this project is considered as more beneficial. ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है. तो ये तमाम मैटर्स को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं. मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर डेंजर सिग्नल्स. हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने कहा कि जी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि तमाम के तमाम ऐसे मामलात जिनमें आपको लगता है कि आप फ्यूचर में कोई रिस्क है या लॉस के चांसेस है, आप उन तमाम चीजों को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं. सो हाउ वी विल बी एबल टू स्टेबलाइज इट, एट द टाइम वी आर ऑब्जर्विंग वी हैव द सिग्नल दैट सर्टेन इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू क्रिएट सम लॉस, हम वहां पे चीजों में इंटरवीन करने लग जाएंगे. हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल.
हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, तमाम के तमाम ऐसे मामला जिनमें आपको लग रहा हो कि सर ये फ्यूचर में नुकसान होगा, वहाँ पे हम जाके उसी ऑर्गेनाइजेशन को मना कर देते हैं कि नहीं सर, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व टू आर ओन एक्सपर्ट और टू आर ओन पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट दिस project is not going to create profit for the company. Role of institutional investors in corporate governance. II is basically the abbreviation for the institutional investors. Unka kya role hota hai institutional investors ka corporate governance के अंदर, capability and capacity to influence, यानी किस हद तक वो काबिल हैं और किस हद तक वो influence कर सकते हैं, यानी capacity का मतलब क्या होगा कि जितने shares होंगे उतनी बात सुनी जाएगी, capability क्या है कि आप कितने skillful हैं कि एक organization जो कि एक activity करने जा रही है and you are observing and you are getting a gut feeling that this activity is going to create problem for you, आप उस चीज को कैसे रोक सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है डायलॉग विद डायरेक्टर्स। आप जब लगता है कि नहीं सर, आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं हमें लगता है कि वो डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को डैमेज कर सकता है, वो डिसीजन लॉन्ग टर्म एक्टिविटी में प्रिवेल नहीं कर सकता, वो डिसीजन हमारे फ्यूचर के लिए एज अ थ्रेट चल सकता है, ये तमाम के तमाम मैटर्स को हमने किसी तरीके से खत्म करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सिर्फ वाहिद हल नहीं है कि जी हम शेयर होल्डर नहीं रहते आपके, नहीं, यू आर विलिंग टू बिकम द शेयर होल्डर, बट एट द सेम टाइम यू वांट डायरेक्टर्स टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर एम, अकॉर्डिंग टू योर विल। अब आप क्या करते हैं, जब आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रही है जहाँ से इन्हें लॉस हो सकता है, तो आप डायरेक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं कोई मीटिंग क्रिएट करते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं या उन्हें डिफरेंट फॉर्मल वे में इन्फॉर्म करते हैं कि सर वी आर विलिंग टू हैव अ मीटिंग विद यू, और इस मीटिंग में फिर आप क्या करते हैं, उनसे डायलॉग करते हैं। डायलॉग मीन्स यू विल ट्राई टू कन्विंस देम और विल बी कन्विंस्ड बाय देम, ये दोनों बातें इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यू विल ट्राई टू कन्विंस देम और एट द सेम टाइम यू कैन बी कन्विंस्ड बाय देम दैट द डिसीजन दे आर going to take is beneficial for the organization, ठीक है। फिर है regular evaluation of the financial report, that is a very much important thing, कि जब भी हम किसी organization में as an institutional investor काम कर रहे होते हैं तो उस organization की जो भी financial reporting हो रही होती है हम उसे check करते हैं, जिसमें हमारी balance sheet हो गई, हमारी जो है ना income statement हो गई, cash flow statement हो गई, retained earning हो गई, या different financial notes जो होते हैं, हमारी annual report होती है उसको हम लेते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है, तमाम चीजें हम लेते हैं, उसे ओवरव्यू करते हैं, तमाम की तमाम बातों को ध्यान में रखते हैं कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, क्या इनकी कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन रही है इन द नियर फ्यूचर, तमाम मैटर्स को हमने देखने। और फ्लैग ऑफ डेंजर सिग्नल, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो ज्यादा हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रिटेन अर्निंग कम हो रही है, या कोई भी ऐसा मैटर जिस पे आपको आपको एक गट फीलिंग आ रही है कि दिस सिचुएशन कैन बी अ डेंजर फॉर अस इन द फ्यूचर, वहाँ पे आप उन्हें रोक देंगे, आप कहेंगे कि नहीं सर, ये एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं ये इससे वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू शुड ट्राई टू स्टॉप दैट एक्टिविटी। शेयरिंग इन्फो विद अदर स्टेक होल्डर्स, यानी आप ऐसी ये अगर यहाँ पे एग्जांपल आप हमेशा याद रखिएगा कि कंपनी से बात कर ली, कंपनी कह रही है कि नहीं सर हम ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो इस सूरत हाल में आप बाकी स्टेक होल्डर, आप गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी और ऐसी पार्टी को जो कि उस कंपनी का स्टेक होल्डर उसे इन्फॉर्म कर देंगे कि ये एक्टिविटी होने वाली है और ये गलत है, तो ये भी आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का रोल होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। जुडिशियल यूज ऑफ वोट, वोटिंग पावर, क्योंकि आपके पास होती है, आपको लगता है कि ये बात जो हो रही है ये गलत हो रही है, उसमें आप अपनी वोटिंग पावर लेके उस चीज को रिजेक्ट करवाएंगे एट द टाइम ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, आप बता देंगे कि नहीं सर हमने नहीं करना, आपने अपनी पावर होती है, मतलब आप ओवरव्यू कर रहे होते हैं चीजों को और आप वहीं पर कह देते हैं कि नहीं जी हमने इसके लिए वोट नहीं करना। कुड शुड स्टॉप सीक रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड, अब ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप किसी कंपनी के अंदर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है कि यार आपकी बात सही नहीं सुनी जा रही, तो आप ट्राई क्या करते हैं कि आप कंपनी के अंदर अपनी वोटिंग पावर को बढ़ाते हैं। वोटिंग पावर इंक्रीज मीन्स डेट यूर
वॉइस विल बी इंक्रीज इन द कंपनी, जब आपकी वोटिंग पावर बढ़ेगी, आपकी वॉइस बढ़ेगी, तो एट द टाइम व्हेन एवर द एनुअल जनरल मीटिंग विल कंडक्ट, यू मे इलेक्ट अ न्यू डायरेक्टर। और जब आप न्यू डायरेक्टर्स करेंगे इलेक्ट कर रहे होंगे, तब आपकी कोशिश ये होगी कि ऐसे बंदे को हम सीट पे लेके आए जो कि बाद में हमारी बात सुने, हमारी जो भी कंसर्न्स हैं उसे वो एड्रेस करें। जितने 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और 3 का फैसला, अगर नेक्स्ट 3 किसी बात के फेवर में फैसला करेंगे, उस फैसले को मान लिया जाएगा, तो ऐसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आप कोशिश करते हैं कि 3 लोग आपके बने हो, ताकि बाद में क्या हो, जब भी फ्यूचर में आपको अपना कोई डिसीजन मेकिंग करवानी हो, तो आपकी बात ज्यादा सुनी जाए। ठीक हो गया। इसके बाद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के, 10% ऑफ द कंपनीज इन यूरोपियन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन यूरोपियन कंपनीज डू नॉट नो हु देयर टॉप 50 शेयर होल्डर्स आर। यानी ये कुछ बातें यूरोपियन बातों में बताई हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स इतने होते हैं, कंपनी अपने मैटर्स को देख रही होती है, एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत सारे लोग तो आते ही नहीं है। ये भी मैं आपको जनरल फैक्ट बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी कंपनी का, यानी अगर 356 कंपनीज जो ट्रेडिंग कर रही हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लिस्टेड बहुत सारी होती हैं, 500 समथिंग है, लेकिन 356 की ट्रेडिंग ऑन डेली बेसिस हो रही है, उनकी जब जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो 50% से ज्यादा शेयर होल्डर्स तो जाते ही नहीं है। मतलब दे आर नॉट, मैं अगर कभी, मैं जिस कंपनी के भी मैंने शेयर परचेज किए आज तक, कभी मैं किसी की एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं गया। क्यों? क्योंकि मीटिंग हो रही होती है इस्लामाबाद में, मीटिंग हो रही होती है कराची में, और इवन मुल्तान में भी अगर हो रही हो, तो बंदे के अपने जो है ना मसले बहुत होते हैं, मैं तो कहता कि नहीं यार टाइम नहीं है, आई एम नॉट विलिंग टू गो। तो ये सिचुएशन बहुत होती हैं कंपनीज को, अक्सर लोग कंपनी को हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारा असली शेयर होल्डर है कौन, क्योंकि जितने लोग आए होते हैं बस उन्हीं से वोटिंग पावर का यूज करवा लिया जाता है, और बस ये तमाम मैटर्स हैं। ठीक है, 25% ऑफ द सीईओज हैड मेट ओनली हाफ ऑफ देयर टॉप 50 शेयर होल्डर। अगर 50 स्टॉक के शेयर होल्डर हैं, तो जब सीईओज भी होना, तो उनमें से भी जो है ना तमाम सीईओज नहीं मिलते, या तमाम कंपनी के सीईओज के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने शेयर होल्डर से जाके मीटिंग करें। कभी कभार कभी टाइम मिल गया, कोई शेयर होल्डर वाकई आके मिलने आ गया, कोई ऐसी इस किस्म की कोई मीटिंग हो जाए तो हो जाए, वरना ऐसा ये ट्रेंड नहीं है। इन पाकिस्तान मोस्ट लिस्टेड कंपनीज हैव मेजॉरिटी हेल्ड बाय फैमिली और ग्रुप एंड दे डू नॉट सीम टू अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू एनी अदर शेयर होल्डर। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में मोस्टली जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज हैं। फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? अपनी फैमिली के ही लोग होते हैं, उन्हें पता होता है, वो आपस में ही फैसला कर रहे होते हैं कि यार ये काम करें या ये काम ना करें, या इन्वेस्टमेंट करें या ये इन्वेस्टमेंट ना करें। तो दीज सॉर्ट ऑफ मैटर्स आर वेरी मच वीक इन पाकिस्तान। जो इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस है, उनका इंटरेस्ट है, उनकी बात है, ये तमाम चीजें पाकिस्तान में ज्यादा मैटर कर ही नहीं रही होती। Expectation from the company. At the same time as the company is performing their activity, the board was elected by the shareholder. The company was expected by the shareholder. Company से shareholder ने expectation बड़ी बड़ी बढ़ा ली होती है। मैंने अगर किसी company के shares purchase किए हैं, मेरी बड़ी expectation होती है company अच्छा काम करें। कल को मुझे यही शेयर जो मैंने आज 5 रुपए का लिया, यही शेयर 10 रुपए का हो जाए, मुझे पर शेयर 5 रुपए का फायदा हो। तो इस किस्म के बहुत सारे मैटर्स होते हैं, इस किस्म की बहुत सारी बातें होती हैं जो कि एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं फॉर द शेयर होल्डर्स। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ बोर्ड मेंबर्स, यानी बोर्ड मेंबर्स का पता करना चाहिए कि भाई ये इस बंदे की इस वक्त इसकी जो है ना बैंक अकाउंट में कितने, बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। कल जब ये जब कंपनी का डायरेक्टर बना, उसके बाद इसने कितना अर्न किया, इसकी सैलरी कितनी थी, इससे इसने कोई ऐसी जगह पे डिसीजन लेके अपने लिए तो कोई फायदा नहीं किया, कोई ऐसा बात तो नहीं हुआ कि जिसके जिसकी वजह से ये मतलब इसकी जो अनएथिकल अर्निंग बढ़ गई हो। इस किस्म के तमाम मैटर्स को बड़े कीनली ऑब्जर्व किया जाता है और करना किया जाना भी चाहिए, क्योंकि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एज एन एम्प्लॉय लिया था, दे वर नॉट द ओनर, दे could not create any sort of unethical profit for their self, yani unethical profit unhe apne liye nahi banana chahiye, whatever the profit they have earned that should be the salary that they have earned from the company. theek hai, uske baad aate hain transparency in all transaction. tamam ki tamam transactions jo hamari organization mein ho rahi hain, उसकी सम कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी मीन देयर शुड बी सर्टेन ऑडिट ऑफ दैट एक्टिविटी। ऐसी काम ना हो, ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें आपको लगे कि जी ये जो है ये एक्टिविटी जो काम हो रही है
इसके अंदर हमें कुछ भी मालूम नहीं है, वी हैड नो आइडिया, वी हैव नो आइडिया, वी विल नॉट हैव नो आइडिया कि क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, किससे क्या चीज परचेज की जा रही है, कोई ऐसी चीज तो नहीं बनाई जा रही जो कि अनएथिकल हो, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही जो कि लॉ को वायलेट करती हो, कोई ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लमेटिक थिंग्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है जिसे आप फ्यूचर में कह सकें कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी गुडविल को डैमेज कर दिया है। वो गुडविल डैमेज सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होगी, वो आपके पैसे की भी होगी, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। तो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स मस्ट बी एड्रेस बिफोर देयर अकरेंस, उनकी होने से पहले उन्हें एड्रेस करना, ये आपका मेन काम है। आपकी एक्टिविटी यही है कि जी ऐसे मैटर्स को आप किसी तरह से एड्रेस कर लें, और उससे पहले कि कोई प्रॉब्लम आए आप उस चीज को होने से पहले ही रोक दें। कंपनी इंटरेस्ट ओवर सेल्फ इंटरेस्ट, कंपनी के इंटरेस्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ज्यादा देखना चाहिए ओवर सेल्फ इंटरेस्ट, ऐसा ना हो कि वो अपने इंटरेस्ट को देखने लग जाए, ऐसे डिसीजन लें कि जिससे वो जो है क्या कहते हैं अपने, यानी कोई ऐसा एक्टिविटी ना हो जिससे जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अपने फायदे ज्यादा हो रहे हैं कंपनी के फायदे कम हो रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज को पूरी तरह से क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट लीडिंग टू अ गुड रिटर्न एंड कैपिटल ग्रोथ, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपनीज शेयर होल्डर कि जो भी बंदे कंपनी में इलेक्ट किए गए हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हों, वो इतने कैपेबल हों कि वो तमाम के तमाम मैटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं उसे अच्छी तरह एड्रेस कर सकें, उन तमाम के तमाम मैटर्स को क्या कर सके कि इतनी उसके अंदर अपनी स्किल्स को यूज किया जाए कि जब भी कंपनी का कोई प्रॉफिट क्रिएट हो उस प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज आए। मतलब ये कि आपने पिछले साल अगर कुछ अर्न किया तो उसके बाद आपने एक साल में कुछ सीखा भी तो सही, नेक्स्ट प्रॉफिट में वो रिफ्लेक्शन होनी चाहिए आपकी अर्निंग की, आपके रिटर्न इंक्रीज होने चाहिए, आपके ग्रोथ बढ़नी चाहिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट करने के लिए नहीं कहा, एक बार हो गया ठीक है, नेक्स्ट टाइम दे शुड ट्राई टू अर्न 200, और जब 200 हो गया नेक्स्ट टाइम दे शुड ट्राई टू अर्न 400। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है ये किसकी, किससे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। हमें पता होता है कि जी ये बंदा अगर इस कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो इससे कुछ ना कुछ हमारे लिए फायदा क्रिएट करे, ये हमारे लिए ऐसी एक्टिविटी करे कि जब भी हम कंपनी के प्रॉफिट को सुने हमें उसमें ग्रोथ का फैक्टर वाजे नजर आए। फेयर शेयर ऑफ रियल प्रॉफिट्स, अब ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कहते ये है कि जब भी आपने शेयर करना है प्रॉफिट को उसमें पता चले कि कितना प्रॉफिट किस पार्टी को किस वक्त तक किस डिविडेंड में किस चीज की फॉर्म में दिया गया। ये ना हो कि 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट है 50,000 उसकी सैलरी में अपनी बढ़वा ली है, यानी आप यूँ समझे 50,000-60,000 एक्सपेंसिस कंपनी के ज्यादा बढ़ा दिए, बाकी प्रॉफिट 40 आप नजर आ रहे हैं और वो आप कहें जी यही 40 पड़ा है, या 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपका 90,000 के एक्सपेंसेस है 1,00,000 रुपए 10,000 आपका पड़ा है, तो फेयर शेयर हो रियल प्रॉफिट्स के अंदर, आपको पता हो कि तमाम पैसा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब इसी में एक एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे जो फाइनेंस को पढ़ते हैं या उन्हें कोई आइडिया है उसके बारे में, दे शुड हैव द आइडिया कि जो हमारा जितनी भी अर्निंग होती है दैट मस्ट बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, फर्स्ट पार्ट विल बी नेम्ड एज अ रिटेन्ड अर्निंग एंड सेकेंड पार्ट इज नेम्ड एज अ एक तो रिटेन अर्निंग, दूसरी क्या है आपका डिविडेंड। तो आप हमेशा जब आपने डिसीजन लेना है आपने ये बात का ख्याल रखना है कि हर वक्त रिटेन अर्निंग को नहीं, कभी कभी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए। कभी कभी हम उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स को भी इतना दे दें कि वो भी जरा खुशी महसूस कर सकें और वो ये फील करें कि वी हैव अर्न समथिंग फ्रॉम दिस कंपनी। जब जब आप रिटेन अर्निंग हर वक्त बढ़ाते रहेंगे और प्रॉफिट्स को कम शो करेंगे या प्रॉफिट्स को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो इन द फ्यूचर यू विल ऑब्जर्व दैट योर शेयर होल्डर्स विल बी डिससैटिस्फाइड एंड दे विल स्टार्ट टू विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंपनी। सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, होपफुली यू विल आस्क एज मच एज क्वेश्चन एज यू कैन, एंड वी हैव सर्टन, इफ यू हैव सर्टन क्वेरीज यू मे आस्क दैट क्वेरी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन, Allah Hafiz.